नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस रिकॉर्ड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे पाकिस्तान के बाबर मिसाइल के बारे में, जो कि बाबर 2 के नाम से डेवलप किया जा रहा था। और ये एक ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल है, यानी कि एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। और इसकी रेंज बताई जा रही थी 750 किलोमीटर से लेके 1000 के बीच में हो सकती है। तो इसको लास्ट मंथ भी टेस्ट किया गया था, और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इसको टेस्ट किया गया है, और ये दोनों ही टेस्ट फेल रहे हैं। स्पेशली बात करोगे पिछले टेस्ट की, तो इस टेस्ट में क्या हुआ है कि मिसाइल लॉन्च होने के बाद तकरीबन 2 मिनट में ही 14 से 15 किलोमीटर जाकर ज़मीन में गिरकर क्रैश हो गया था। और ये क्रैश बलूचिस्तान रीजन में टेस्ट के दौरान हुआ है। और इसके पीछे जो मेजर कारण बताया जा रहा है, वो ऐसा बताया जा रहा है कि इसके लॉन्चर को लेकर कोई प्रॉब्लम है। ये जो इनका बाबर 2 कैटेगरी का सब सोनिक ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल है, ये भारत की निर्भय की कैटेगरी का क्रूज मिसाइल है। इन दोनों में ही जो सी स्किमिंग कैपेबिलिटी होगी वो होगी, जिसके अंतर्गत कोई भी मिसाइल समुद्र की सतह से चिपकता हुआ ट्रैवल करता है। और ये कैपेबिलिटी इसको हेल्प करती है जो भी रडार वेव्स आ रही है उनको इवेट करने में, जहाँ पे भारत के निर्भय मिसाइल की जो रेंज होगी वो भी 1000 किलोमीटर के अराउंड होने वाली है। और निर्भय मिसाइल को लेकर मैं बता देना चाहूँगा कि इसका जो अगला टेस्ट है वो जल्द ही कंडक्ट किया जाना है। बात करेंगे अगला अपडेट की, जो कि भारत के तेजस को लेकर है, यानी कि तेजस के फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस वेरियंट को लेकर है, जिसका जो पहला FOC एयरक्राफ्ट था उसने लास्ट वीक ही अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली थी। और उस दरमियान जो उसका नाम था वो SP-21 था, लेकिन उसके बाद भी SP-21 ने कई और फ्लाइट ली थी उसी दिन और अगले दिन। और जो बाद में SP-21 ने फ्लाइट ली है, तो उन सब में SP-21 को चेंज कर SP-17 कर दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि SP-16 तक हमारे जो IOC लेवल के तेजस हैं उनका नामकरण किया गया है, और SP-17, SP-18, 19 और 20 ये ट्रेनर्स होने थे जो कि IOC लेवल के ट्रेनर्स थे। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जो आपके कॉम्बैट ड्यूटी वाले एयरक्राफ्ट हैं, मतलब स्क्वाड्रन में एक्टिव ड्यूटी में होंगे, उनके ट्रैक की सहूलियत के लिए ये जो नाम है तेजस के, जो कि IOC तक SP-16 तक थे, तो वहीं से कंटिन्यू किया गया है, जो कि FOC को SP-17 और 18 से शुरू कर दिया गया है। तो अब जो बीच में 4 ट्रेनर आने थे तो उनका जो नामकरण होगा वो अलग ही होने वाला है, एक अलग सीरीज से किया जाएगा। और अमूमन अगर आप दूसरे देशों में देखोगे तो ऐसा ही होता है कि जो आपके ट्रेनर्स होते हैं उनका जो नामकरण होता है वो सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट से अलग रखा जाता है। तो यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि जो ट्विन सीटर तेजस हैं वो कॉम्बैट रेडी नहीं है, वो भी कॉम्बैट रेडी हैं, लेकिन जब बात आती है फ्रंट लाइन पे जाने के लिए या फिर कॉम्बैट के लिए, तो आप जान और माल की जो क्षति होती है वो कम करना चाहते हो। तो इसीलिए जो सिंगल सीटर जेट होते हैं उन्हें पहले प्रेफर किया जाता है कि जो रिस्क फैक्टर हो वो मिनिमल हो। तो यहाँ पे जो ट्विन सीटर तेजस हैं वो भी उतने ही कॉम्बैट रेडी हैं जितने कि सिंगल सीटर हैं। तो इसको आप यूँ भी कह सकते हो कि 2 सीट वाले तेजस का जो नामकरण है वो अलग होगा। सो SP-21 जो कि अब SP-17 हो चुका है, इसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट लास्ट वीक ली थी। और SP-22 इसको लेकर ऐसी खबर है, जो कि अब SP-18 हो चला है, कि इसने अपने इंजन ग्राउंड रन यानी कि EGR कंप्लीट कर लिया है, जहां पे इंजन को देखा जाता है कि किस तरह से वो बिहेव कर रहा है फाइटर जेट पे इंटीग्रेशन के बाद। तो वो टेस्ट कंडक्ट कर लिए गए हैं। और इसके बाद क्या होगा, जो लो स्पीड टैक्सी ट्रायल है यानी कि LSTT और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल है यानी कि HSTT, इन दोनों को कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद ही तुरंत जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट है वो ये लेगा। तो यहाँ पे बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि ये जो LSTT है या फिर HSTT है ये क्यों कंडक्ट किए जाते हैं और कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप एविएशन गीक नहीं हो या फिर एविएशन से आपका कोई वास्ता नहीं है तो इसके बारे में आपको लिमिटेड पता होगा। तो यहाँ पे बात करने वाले इन दोनों के बारे में, यानी कि LSTT और HSTT के बारे में। अगर बात करते हो LSTT की, तो LSTT में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीड निर्धारित की जाती है, और जो आपके एयरपोर्ट है या फिर टैक्सी ट्रायल वाली फैसिलिटी है वहाँ पे एक डिस्टेंस निर्धारित की जाती है, और उस डिस्टेंस में जो आपका फाइटर जेट है वो निर्धारित किए गए स्पीड पे दौड़ता हुआ चला जाता है। तो LSTT के लिए जो स्पीड रखी जाती है वो अमूमन 10 से लेके 25 जो नॉट की स्पीड है उसमें वेरी करती है। और बहुत सारे LSTT ट्रायल्स में जेट को एक लो स्पीड पे मोड़ के भी देखा जाता है, और ये जो टर्न एंगल होता है वो वेरी करता है 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में। और इस दरमियान जो टर्न रेडियस है वो भी देखा जाता है कि कितना है, और ये भी वेरी करता है तकरीबन 1000 से लेके 1500 फीट के बीच में। इन सब चीज़ों को निर्धारित करके जो आपके लो स्पीड टैक्सी ट्रायल हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन तेजस को लेके ये डेटा किस प्रकार के हैं, इसका कन्फर्मेशन आपको वही दे सकता है जिनके अंडर ये ट्रायल कंडक्ट किए जा रहे होंगे। वहीं पर अगर रिप्लेस कर देते हो यहाँ पे HSTT को, तो HSTT में जो स्पीड होती है वो अमूमन रखी जाती है तकरीबन 60 नॉट से लेके 80 नॉट के बीच में। और यहाँ पे देखा जाता है कि आपका एयरक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान या फिर टेक ऑफ के दौरान जो स्पीड होगी, जो दौड़ता हुआ जाएगा, वो किस प्रकार की होगी, और जो बाकी के सिस्टम होंगे वो स्टेबल होंगे कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल में। और इसके लिए भी जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो निर्धारित कर दी जाती है कि ये डिस्टेंस है और इतने में आपको रुकना है। तो यहाँ पे HSTT में ऐसे कोई एंगल या फिर रेडियस की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। सो ये होते हैं आपके LSTT और HSTT, जो कि तेजस के FOC वेरियंट के जो SP-18 है
वो इस मंथ के एंड तक कंडक्ट करने वाला है, और अगले मंथ के फर्स्ट वीक में या फिर अगले 2 वीक में जो फर्स्ट फ्लाइट है वो कंडक्ट कर ली जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।